Welcome back. I am Vandana and we are learning English Reader of Class 2 by Brain Root Series. And here is a book, Literary Journeys. Today we are going to start chapter number 5 and the name is Brave Aruni. So yes, we are going to learn about Aruni who was very brave. So children, let's start with the warming up exercise. So the bond between a teacher and a student means टीचर और स्टूडेंट के बीच में जो बॉन्ड होता है, जो रिश्ता होता है, टीचर और स्टूडेंट को हम गुरु और शिष्य भी कहते हैं. इज बेस्ड ऑन द जीन्यूइननेस ऑफ द गुरु एंड द रिस्पेक्ट, कमिटमेंट, डिवोशन एंड ओबीडियंस ऑफ द शिष्य. तो ये जो रिश्ता है वो किस चीज़ से मजबूत होता है कि गुरु कितना जेन्युइन है, जीनियस है, और जो शिष्य है वो कितना अपने गुरु की रिस्पेक्ट करता है, उसकी बातों को मानता है कमिटमेंट के साथ, डिवोशन के साथ और ओबीडियंस के साथ. ये एक बेस्ट तरीका है नॉलेज को पाने का अपने गुरु से. द शिष्य इवेंचुअली मास्टर्स द नॉलेज दैट द गुरु एम्बोडीज. सो अगर ये सारी चीज़ों को फॉलो किया जाए तो जो शिष्य है वो अपने गुरु की नॉलेज को पा सकता है. Let's read this story which show that Aruni shows his dedication to his Guru Dhamme. तो यहाँ पे हम गुरु धामे और Aruni की कहानी पढ़ेंगे जिसमें Aruni क्या है अपनी डेडिकेशन से अपने गुरु को रेस्पेक्ट देता है. So the chapter starts, long ago there lived a great teacher called Dhamme. बहुत साल पहले की बात है कि एक ग्रेट टीचर रहते थे जिनका नाम था Dhamme. One of his students was Aruni, और उनके एक शिष्य का नाम Aruni था. एक दिन क्या हुआ, one day Dhamme called Aruni, उन्होंने Aruni को बुलाया and said, Aruni go to the forest and bring some firewood. Forest जाओ Aruni और कुछ लकड़ियाँ ले आओ आग जलाने के लिए. तो Aruni ने क्या बोला, yes teacher, ठीक है मैं जाता हूँ. अब Aruni went to the forest, वो forest जा चुका था. I think I have enough wood now, I will go home. अब Aruni क्या सोचता है कि अच्छा अब तो मैंने काफ़ी सारी लकड़ियाँ इकट्ठी कर ली हैं तो चलो अब मैं घर चलता हूँ. तो आप देख सकते हो उसके हाथ में कितनी सारी लकड़ियाँ हैं. अचानक से क्या हुआ, जब वो घर की तरफ जा रहा था, it started to rain. He saw that the river water was rising. उसने क्या देखा कि अचानक से रास्ते में जाते जाते उसकी नज़र पड़ी रिवर पे जिसका पानी ऊपर आ रहा था क्योंकि लगातार बारिश हो रही थी. Oh no! If the river bank breaks, the water will flood the field. Our crops will be washed away. अब Aruni सोचने लगता है कि अगर ये बांध टूट गया, अगर ये रिवर का मिट्टी जो है सारी हट गई, तो ये सारा पानी जो है हमारे फील्ड्स तक आ जाएगा और हमारे जो भी क्रॉप्स हैं वो सारे खराब हो जाएंगे, बह जाएंगे. अब वो बहुत चिंता में आ चुका था. अब उसने क्या किया, Aruni ran to the river. वो भागता हुआ रिवर के पास गया. He saw a gap in the river. उसने देखा कि रिवर में एक गैप आ चुका है. He tried to fix it with mud and branches. उसने सोचा थोड़ी मिट्टी और लकड़ियों से उस गैप को भर देता हूँ. This is not working. The water will come into the field. अब वो सोचने लगता है कि हे भगवान, ये तो काम ही नहीं कर रहा है और ये पानी लग रहा है हमारे फील्ड में आ जाएगा. All our crops will be spoiled. मेरे जो सारे क्रॉप्स हैं वो खराब हो जाएंगे, सारी फसल खराब हो जाएगी. अब शाम हो चुकी थी. उस शाम को क्या हुआ, गुरुजी ने पूछा अपने एक शिष्य से, वेयर इज Aruni, Aruni कहाँ है. तो शिष्य ने क्या रिप्लाई दिया, ही वेंट टू कलेक्ट फायरवुड. वो लकड़ियाँ लेने गया है. वी हैव नॉट सीन हिम फ्रॉम लॉन्ग सर, हमने उसे बहुत देर से नहीं देखा है. तब गुरु जो थे गुरु धाम में वो जो है शौक में चले जाते हैं, उन्होंने वो शौक हो जाते हैं. और उन्होंने क्या कहा, दैट वॉज इन द मॉर्निंग एंड इट इज रेनिंग सो हार्ड, वॉट इफ ही इज हर्ट. तो अब जो डॉक्टर जो गुरु थे उन्होंने कहा कि वो तो सुबह गया था लकड़ियाँ लेने, अब तो शाम हो रही है अभी तक वो वापस नहीं आया, तो ऐसा तो नहीं कहीं उसे चोट वोट लग गई है. अब वो परेशान हो गया और उन्होंने अपने 5 एल्डेस्ट स्टूडेंट्स को बुलाया. Dhamme called 5 ऑफ his एल्डेस्ट स्टूडेंट्स, 5 बड़े बच्चों को बुलाया अपने गुरुकुल से और वो निकल पड़े Aruni को ढूंढने. कम विथ मी, वी विल लुक फॉर Aruni. चलो मेरे साथ, मैं Aruni को ढूंढता हूँ, चलो हम लोग ढूंढते उसे.
अब धौम्य एंड हिज स्टूडेंट्स वेंट टू लुक फॉर अरुणी. सब जो है अरुणी को ढूंढ रहे हैं उस फॉरेस्ट में. अरुणी अरुणी पुकार रहे हैं. अचानक से एक बच्चे ने क्या देखा कि सर सर बैंक द क्रॉप्स. उसने देखा नदी के किनारे, वहाँ पे जो नदी थी उसे देखा, उसके बैंक को देखा और अपनी फसलों को देखा. और उसने बोला कि वहाँ देखिए बैंक के पास क्या हो रहा है या क्रॉप्स के पास क्या हो रहा है. धौम्य एंड द स्टूडेंट्स रैन टू द रिवर. धौम्य और जो बच्चे थे वो रिवर की तरफ दौड़ते हुए गए. हियर ही इज यूजिंग हिज बॉडी टू स्टॉप द रिवर. वो देखो उसने अपनी बॉडी से रिवर को टूटने से रोक रखा है. फ्रॉम फ्लडिंग द फील्ड को फ्लड होने से. तो वो देखिए वहां रहा अरुणी. धौम्य रश टू पिक अप अरुणी. अब धौम्य दौड़ते हुए गए अरुणी को उन्होंने उठाया. ही वॉज वेट एंड कोल्ड. वो काफी ज्यादा गीला हो चुका था और ठंड लग रही थी उसे. ओ माय पुअर ब्रेव बॉय बॉयज वर्क टुगेदर एंड मेंड द बैंक. आई विल टेक अरुणी होम. अब गुरुजी ने अपने बच्चों से बोला, अपने शिष्यों से बोला कि मेरा प्यारा बच्चा, ये ब्रेव बच्चा, इसे जो है मैं अपने साथ ले जा रहा हूँ घर और तुम लोग क्या करो मिलके इस नदी के ये जो बांध है इसे ठीक कर दो. तो अब शिष्यों ने क्या बोला, डोंट वरी टीचर टुगेदर वी विल फिक्स इट. आप चिंता ना करें, हम सब मिलके इसे ठीक कर देंगे. धौम्य कैरिड अरुणी होम. अब धौम्य अरुणी को घर लेके गए. आई एम सो प्राउड ऑफ यू अरुणी. मैं तुमसे बहुत खुश हूँ, मैं तुमसे बहुत प्राउड फील करता हूँ. वॉट यू डिड टूडे वॉज वेरी ब्रेव. आज जो तुमने किया वो बहुत ही ब्रेव काम है. थैंक यू. तुम्हें इस बात के लिए थैंक यू कि तुमने फील्ड्स को फ्लड होने से बचा लिया. अब अरुणी ने क्या रिप्लाई दिया, आई ओनली डिड माई ड्यूटी टीचर. मैंने सिर्फ अपनी ड्यूटी की है. सो चिल्ड्रन दिस वॉज अ चैप्टर. आई होप इट यू हैव लर्न मेनी थिंग्स फ्रॉम दिस चैप्टर. लेट्स मूव ऑन टू ग्लॉसरी. सो हियर द फर्स्ट वर्ड इज फायरवुड, विच मीन्स वुड यूज फॉर बर्निंग ऑन फायर, फायर जलाने के लिए लकड़ियाँ. नेक्स्ट इज ग्रेट. ग्रेट का मतलब है फेमस. स्टूडेंट मीन्स प्यूपिल. ब्रिंग का मतलब होता है किसी चीज़ को लाना. फेच एंड मेंड का मतलब होता है टू रिपेयर समथिंग दैट इज डैमेज और ब्रोकन. कोई चीज़ जब खराब हो जाए, टूट जाए, तो उसे ठीक करना, इसे मेंड कहते हैं. नेक्स्ट इज राइजिंग. राइजिंग का मतलब होता है गेटिंग अप. इनफ का मतलब होता है सफिशियंट. फिक्स का मतलब होता है किसी चीज़ को रिपेयर करना. Now let's move on to the book exercise, children. Comprehension is our first part, and in that we are going to do a part which is multiple choice question. So the first one is Dhame was a great. Dhame kaun the? He was a great teacher. Dhame said that Aruni was. Dhame ne kya bola? Aruni kaisa tha? He was brave. Now let's move on to fill in the blanks using help box. So we have to use this help box that is given here to fill in the blanks. So Aruni went to the dash. कहाँ गया वो? Forest. So let's write it here. Forest. The crops will get dashed away. Crops क्या हो जाएंगे? Washed away. So write here washed away. He saw a dash on the river bank. उसने क्या देखा? River bank पे क्या है? एक gap आ चुका है. So we will write here gap. Similarly, you have to do the rest of the questions, children. Now, let's move on to C part, which is write true or false for the following sentences. So, Dhamya was a student? No, he was a teacher. So, let's write here false. Aruni saw the river water was rising? Yes, true. Dhamya called four of his eldest son. Kya usne apne bade beto ko bulaya? Wo bhi four? No, this is फॉल्स. उसने अपने स्टूडेंट्स को बुलाया. डू द टू क्वेश्चंस योरसेल्फ चिल्ड्रन. नाउ लेट्स मूव ऑन टू आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस व्हिच इज द डी एक्सरसाइज ऑफ योर चैप्टर. व्हाई डिड अरुणी गो टू द फॉरेस्ट. सो ही वेंट टू द फॉरेस्ट टू कलेक्ट फायरवुड. नाउ नेक्स्ट वन इज what did Aruni do when he saw the gap in the river? So when he saw the gap in the river, he tried to mend it. Like this, children, do the rest two questions yourself.
And with this, children, we have completed the chapter. I hope it's clear to you. You may have learned many new things in this chapter. I'll be waiting for you with a new video, children. Till then, stay tuned and thanks for watching.